हमारे कायदे आजम और हमारे इलामा इकबाल। आई लव यू। पापा ने भाई उसको टेरेस पे पूरा लटका दिया, मैं उधर उधर भी नहीं रहा हूं। क्या हुआ राबिया के साथ? एक समस्या होगी बहुत बड़ी। आज हमने जाना है खाने पे, मेरी तरह सर मैं लेके जाऊंगी सबको, और हमने उन्हें खाना खाना है सिर्फ ग्रीन कलर का। ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान। छिपकली का छोटा सा बच्चा जो आएगी, ये एक लड़का मासूम तरीके से बहुत मजे का खाना था, स्पाइसी था। एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सबको फातिमा और हिरापी, हम लोग सब मतलब फौरन एकदम से प्लान बन गया आपकी कि मैं छुट्टी करवा दी। अच्छा, तो बहुत से लोग पूछेंगे कि हीरा अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही, तो आज हम बताना चाहते हैं कि हीरा अपना मुंह अभी क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि हीरा को दो पिंपल आए हुए हैं, वो भी बिल्कुल इधर इधर। और हमें तो बताएंगे कौन लड़कियां रिलेट करती है पिंपल्स पे। हाँ, लड़कियां अक्सर रिलेट करती है कि उनको पिंपल आया तो वो दिखाना नहीं चाहती। हीरापी की माइयों है, वो बैठी हुई है माइयों पे सभी शक्ल। लेकिन मुझे पिंपल हमेशा गलत टाइम पे आते जब भी जाना। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे आज 14 अगस्त है और आज हीरापी को पिंपल नहीं है, इसलिए हीरा अपना बड़े ग्लासेस होते हैं ना, वो जो इतने बड़े वो ले लो। हीरा तुम वो वाले ग्लासेस ले लो और मत दिखाओ अपना मुंह। अब तुम यहाँ से कट कर लो और हम चलते। चलो तुम्हारा मुंह मैं इस तरह छुपा लेती हूँ हीरा, ये वैसे बेस्ट है अगर मैं तुम्हारा मुंह ऐसे छुपा लूँ। जश्न आजादी मुबारक। ये देखे मैंने फ्री स्पिरिट वाली शर्ट पहनी, लेकिन मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ जब मुझे पिंपल आया था मैंने सबको दिखा। वैसे ना आपको यहाँ पे नोज पे पिंपल आया, नोज पे पिंपल आया हीरा को पिंपल क्या आ गया? हीरा चाहती है कि उसका मुंह ना काटे और उसने हमें तंकी किया। क्या बात की, तुमने नोज का रिवील कर दिया। डोंट यार, इट्स ओके, इट्स अ नेचुरल थिंग यार। जब तक आप नेचुरल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब हर कोई इंसान ही होता है, तो अगला भी देख रहा है तो उसको भी पिंपल तो आते ही होंगे। अच्छा, तो यार यहाँ पर ना कुछ ज्यादा ही प्यारी रोड डेकोर है। वैसे हमने पूरे लाहौर में देख ली थी, बट यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही मतलब प्यारा सीन है। गाइस, इफ यू आर वाचिंग दिस, तो मेरी चलाकी वाली वीडियो 14th अगस्त से रिलेटेड मैंने और मेरी बहनों ने मिलके काफी मुश्किल से बनाई है, तो जाके जरूर देखना। सो अब मैंने सोचा है और इस मैडम ने सोचा है कि हम अगर आए ही हैं तो थोड़ा बाहर निकल ही जाए, क्योंकि इस रोड पे ना कोई भी नहीं है, तो इसीलिए हम आ रहे हैं। अदरवाइज पीछे बहुत लौंडा था, इसीलिए हम चलो यहाँ पे। चलाओ हीरा, चलाओ। देखो, ओह माय गॉड, और कितना गिरोगी? जस्ट टेल मी, और कितना गिरोगी? यार वैसे बहुत मजा आ रहा है, कोई भी नहीं है सड़क पे, हम बिल्कुल अकेले हैं और बहुत मजा आ रहा है। रुक जा लाले, झंडे को रोक, देख देगा क्या हो गया। झंडा के तेरी जिंदगी है, चलती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत मजे की रोड से बिल्कुल ऑफ। वो देखो हमारे कायदे आजम और हमारे इलामा इकबाल। आई लव यू। वो लड़कों को समझा उनको, बट मैं कायदे आजम और इलामा इकबाल को। गाइस, मैं पिछले सारे व्लॉग में कट चुकी हूँ। आत्मा न्यू ब्लॉगर है। पुलिस जो तो किसे साले तो कुछ लिया नहीं, किसे तो साम नहीं कराया। सो हमने ये ऑर्डर किया है, ये चीज बॉल्स है, मैं आपको जरा इसको दिखाती हूँ। ये बहुत यमी से चीज बॉल्स है। ये मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें मैंने बनाया था। सो फाइनली अब हम थक हार के घर पहुंच चुके हैं और खाना भी हमने खा लिया। हीरा वैसे तो अपना मुंह दिखा सकती हूँ, इतनी बुरी भी नहीं लग रही हो। Assalamualaikum everyone, welcome to Astrology, Happy Independence Day, this is me Krakka, welcome to another vlog। और आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है, मैंने तो आप लोगों ने इन बालों से अंदाजा लगा ही लिया होगा अपनी तरफ से। लेकिन आज का दिन हमारा स्पेशली 14 अगस्त कैसा गुजरता है, ये आप अभी जाके हमारे साथ देखेंगे। चले। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हर बार की तरह जब भी कोई ओकेजन होता है मैं अपने आप को तो तैयार करती ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ अपने बेड को भी मैं प्यारा करती हूँ। सो अभी ये नियम हम बिछाएंगे, ग्रीन एंड व्हाइट बेडशीट आज हमारे
घर की लुक तो थोड़ी सी चेंज, मतलब मेरे रूम की तो चेंज हुई क्योंकि दिल है पाकिस्तान, हम है पाकिस्तान, लेट्स गो गाइस। लोगों के घरों में ईद पे खीर बनती है, हमारे घर पे 14 अगस्त पे ईद बनती है, मतलब खीर बनती है, तो आज हमारी भी सबकी मतलब ईद ही है एक टाइप की। ये दिल है पाकिस्तान और मेरी खीर भी पाकिस्तान। सो फाइनली फॉर 14th अगस्त मेरा बेड हो गया तैयार और लग रहा है ना इसको भी आजादी मिल गई है। आपकी सारा सामान रखा हुआ, अभी तैयार क्यों नहीं हुई हो? यार मैं अपने एक पार्सल का वेट कर रही हूँ, मेकअप करना है ना मैंने। शायद आप इस पार्सल का तो वेट नहीं कर रही हो जो ऑलरेडी आ चुका है। ओह यस, मेरा पार्सल आ चुका है। सुबह से आपको बताती चलूं कि दराज पे लगी हुई है 14 अगस्त से लेके 24th अगस्त तक सेल, आजादी सेल अप टू 75%। तो आप किस चीज का इंतजार करें। मैंने वैसे कल रात अपना ऑर्डर प्लेस किया था और मुझे विद इन 24 आवर ये ऑर्डर रिसीव हो चुका है। लेट्स सी इसके अंदर क्या, लेट्स अनबॉक्स। मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाए थे जो मैं डेली वेजेस पे यूज करती हूँ, तो आप लोगों ने भी अगर अपनी इस आजादी सेल से मजा उठाना है तो लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाएं और जाके ऑर्डर करें। मैं आपको दिखाती हूँ तब तक खोल के कि इसमें क्या है। आजादी के मौका पर आई रियली नीड ऑल दीज प्रोडक्ट्स फॉर माय मेकअप। सो लैश मस्कारा भी मेरा आ गया, आईब्रो भी आ गई, लिपस्टिक भी आ गया। आई विल शो यू आफ्टर अप्लाइंग दिस। क्योंकि पापा ने भाई उसको टेरेस पे पूरा लटका दिया, मैं उधर उधर भी नहीं रहा हूं। क्या हुआ, क्या हुआ? राबिया के साथ एक समस्या होगी बहुत बड़ी। स्पेशल डंडा झंडा लेके आए थे, पिक्चर जैसे लूंगी। वो पापा ने डंडा निकाल दिया। चलो मुझे दिखाओ जरा, आओ। मैं अभी हल्की आज तैयार हो रही थी। 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का? 1,000 का बस, 1,000 रुपए। अब तुमसे आजम नहीं। ओह माय गॉड। सो हमारे घर पे ये झंडा जो है ना, इसको कैसे, ये पापा ने लगाया, पापा ही उतारेंगे। यार मैंने डंडे के साथ लहराना स्पेशल मैंने लिया था, पूरे 1,000 का। उसने इंसान ने मुझे ठगा था। ऐसे कहते हैं किसी को, उस इंसान ने मुझे ठगा था। अब ये देखे रस्सी से बंधा हुआ है, कोई इतनी तोप चीज नहीं है, इसको ध्यान से गिर जाएगा फ्लैग। देखा, अब इसके अंदर हम डालेंगे डंडा। अभी तुम्हारे हाथ में क्या? अभी ये मैं आईब्रो ये मंगवाया, ब्रो आर्टिस्ट है लॉरियल का, जो कि मैंने ऑर्डर किया था रात को दराज से, और इंस्टेंट डिलीवरी है इनकी विद इन 24 आवर्स। तो अभी मैं इसको लगाने लगी हूँ। हर तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो दराज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो मैं तो यहीं से ऑर्डर करती हूँ। तुमने ऑर्डर कर लिया है, मैं तुमसे छीन के लेके जाऊँ? मैं तुम्हारी जान भी निकाल दूँ। इंस्टेंट डिलीवरी मुझे भी यहाँ से मिले। नहीं, तुम भी दराज से ऑर्डर करो ना जाके। हाँ, इंस्टेंट डिलीवरी। आजादी पे सेल लगी हुई, 50% अप टू 75% ऑफ लगा हुआ। वाकई जाके ऑर्डर करो ये अपनी, मैं नहीं दे रही। मैं तुमसे लेके जा रही हूँ, तुम अगेन ऑर्डर कर दो। ये लिपस्टिक का कलर मैं आपको दिखा दूँ, इट्स माय फेवरेट। ये लड़की 14 अगस्त के लिए पिंक कलर का तैयार होते हुए, और मैं मुंह पे ग्रीन कलर कर लूं। गो ग्रीन गर्ल, गो ग्रीन। देखिए मैंने अभी एक्स्ट्रा खुशी में ग्रीन कर लिया। सेलिब्रेट करने के लिए हम नीचे चलते हैं अपने अम्मा के पास, तब तक तो मेकअप करके हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। आजादी आजादी। और आज मैं लेकर जाऊंगी इन सबको खाने पे कहीं किसी अच्छी जगह। यस, आज हम जाएंगे खाने पे, वहाँ पे जाके हम ग्रीन कलर की चीजें ऑर्डर करेंगे। हाँ, ये एक टास्क होगा। सॉरी, मैं नहीं जा रही। यस, वो जो ग्रीन कलर की डिशेस है ना वो आज सब ट्राई करेंगे। आजादी मुबारक। ये आजाद होने के लिए आई थी हमारे घर पे ना। आप मम्मा तैयार नहीं हुई अभी तक, मुश्किल। मम्मा ये, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ठीक है ठीक है। मैं ये चप्पल अपनी निकालूंगी, ये मैं पहनूंगा। बड़ा हो गया, मैं पहनूंगा। जूता भी बड़ा हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल फिट, फाट पॉफ पैंट मुझे दे दो। नहीं, माँ का ख्याल नहीं करना। ले ले आप, माँ भी 14 अगस्त पे आजाद हो जाए। एक तो लोग कर दिए मेरे मम्मा ने मेरे, मैं वापस चप्पल पे आ गई हूँ यार। हाँ नहीं, अब आप पहन ले, क्यों दे रही हैं? 14 अगस्त का नाम है कुर्बानी देना, वो मैं दे रही हूँ। ये बेबी हमसे मिलने के लिए आया था, दिखाओ कहाँ चोट लगी है। देखो इसको मिलते मिलते इतनी सारी चोट लगी और वो रो रही है। जिसको चोट लगती है ना वो बहुत लकी होता, बहादुर होता, पता है। ये बच्ची मेरे से मिलने के लिए आई थी और मिलते मिलते बेचारी गिर गई है, तो कल नहीं आ सकी, इसलिए रो रही हो। रोते नहीं होते ब्रेव बच्चे, कोई बात नहीं, हमने पाकिस्तान भी ऐसी आजाद की है। देखिए इतनी प्यारी लग रही हो, इतने प्यारे ड्रेस में। ये देखें जी, ये मेरी दोनों बहनें। अब ये वही चीज है, मेरे सॉन्ग में भी इन्होंने ऐसे ही एक दूसरे के मुंह पर फ्लैग बनाया था। मेरी भी बारी है, इन लोगों की पिक्चर्स बन रही हैं, और ये माई मुनिया शूट करी है, और ये भी एक बच्चे हमसे मिलने के लिए। हेलो, क्या हाल है? आजादी मुबारक ड्रेस तो बड़ा प्यारा लग रहा है, ग्रीन कलर का। तो जी वेलकम, आजादी मुबारक। और पापा भी देखे फुल व्हाइट एंड ग्रीन के साथ। आपने तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, पापा ने दुपट्टा प्रेस करवाने के लिए ऊपर दिया था कि मैंने ना गले में पहनना है, तो मैंने मुझे बाल भी इंडिकेट हुई कि ना वो जो दुपट्टा है ना आपका, हाँ वो आप ना लें। अच्छा, कैसे इंडिकेट? एक दफा लेके देखे पापा को, एक दफा
अबे आजादियाँ कितनी। आज हमने जाना है खाने पे, मेरी तरह से मैं लेके जाऊंगी सबको, और हम लोगों ने खाना खाना है सिर्फ ग्रीन कलर का मिंट मार्गरेट। बकरे नहीं है मैंने कहा हम बकरे नहीं है ना, पट्टे खाएंगे। ये देखें ये लड़की हाथ में दोनों पेंट्स लेके खड़ी हुई है और इसको जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर मेरे कपड़ों पे तुमने लगाया मेरे मुंह पे लगा करूंगी, इधर हटो, वो लेके आओ कुछ बनवाना है इसके मुंह पे, बनवाना है कुछ मेरी तरह, ये सही है बनवा लो। क्रिकेट फैन ऐसे बनवाना है कि कुछ बनवाना। तुमने क्या बनवाया? हाँ जी पापा जी आ रही हूँ। दिल मेरे पाकिस्तान दिखाना, अब तो दिखाना है। ये देखो राबिया का जूता देखें, ये देखें ये 14 अगस्त पे तैयारी है इसकी, राबिया के जूते की। वाओ डैडी का जूता पहना तुमने, पापा का जूता ही। और इस लड़के ने बिल्कुल मेरी सही वीडियो नहीं बनाई, मैं तुम्हें पाकिस्तान से आफ कर दूंगी। ये बाजी मुझे कह रही है, बाजी दसो इससे ये देखें। ये जब बचपन में हम लोग हमारी अम्मिया जो है ना वो कढ़ाई सिलाई करती थी, आपको लगाऊंगी बहुत बदतमीज है। आई अल्लाह शक्ल देखो, दिल दिल पाकिस्तान, ये मुझे पकड़ा के घिल रहा है, इधर आके डबिया पकड़ा के छुटकू इधर आओ। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया है, पकड़ो छुट। अच्छा ये बहुत आसान है दिखने में कि बच्चा पेंट हो रहा है मुंह पे। चलो आधा हुआ है आधा। व्हाट क्या किया इसने, ये देख लो काव्या ये क्या किया तुमने मेरे मुंह, मैं खुद देख लूं पहले। पेंट ब्रश लेके आओ, तुमने क्या मेरे मुंह का सत्यानाश। ये देखो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का केक, तो कितना प्यारा लग रहा है मेरे जैसा तैयार होके, इतना प्यारा फ्लैग पकड़ के फोटो शूट हो रहा है। ये शुक्र है ये हंसा है, वरना हमेशा मुझे देखते सार रोना शुरू हो जाता है और आस पास जैनब को देखता, उसके बाद मेरे पास नहीं ना आते हो। आज हम सब बाई बाई बन गए, शेक हैंड करो ठीक है। आ गया ये तो नफारू लग रहा है, आज ये बच्चा मुझे देख के रह रही वरना हमेशा रोता है। वाह आजादी ने सबको बदल दिया यार। हीरा भी आ चुकी, तैयार हो के हीरा, शो मी योर फुल। खैर मुबारक, तुम इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? मतलब तुम ऐसा लग रहा है तुम चाइनीज हो। मैंने वो थोड़ा जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी ना वो मैंने वो लगाया। ओ अच्छा इसीलिए तुम चाइनीज लग रही हो। ओ माय गॉड लुक एट माय मॉम। अगर मेरा गाना नहीं सुना अभी तक, अभी अभी इन सबको मैं बिठाऊंगी, क्योंकि मेरा मैंने आज अपना गाना रिलीज किया, जितने लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया वो तो मैं बयान नहीं कर सकती लफ्जों में। इसे हमेशा ये होता है कि 14 अगस्त पे ना बारिश हो जाती है हमेशा, इस दफा नहीं हुई, पता नहीं क्यों इस दफा। ये देखिए मुझे कितना प्यारा एक बैग मिला आज, ये मैं बैग पकड़ूंगी। लोग ईदों पे तैयार होते हैं, हम लोग 14 अगस्त पे इस तरह से। ये खीर और मैं ये पर्स और पापा ये मेरे से ज्यादा डाल के तो बहुत ज्यादा डाल दिए। चलो खीर खाई नहीं जा रही, सेहत बनाओ, चलने लगा है दिल 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 स्पीकर। बढ़ती रहे सब लोग गा रहे हैं, मैं सबके शॉर्ट बनाती हूँ जरा। चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। वो ये सब 14 अगस्त से पहले ही तैयार हो गई थी, वो तुम ही हो नजर आ रहा है सबको। वाह वाह वाह, ओहो जैनबी आई, जैनबी सब बैठे यहाँ पे, पापा भी साथ खीरें खा रहे हैं साथ। इस लड़की को चढ़ा हुआ था बुखार, क्या हाल है, 14 अगस्त में बीमार हो गई हो थोड़ा सा। जाके मेरे चैनल पे गाना देखे मेरा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ये देखें जरा ये मेरी बहन, ये भी कहेगी चलो क्या, कहाँ भी ट्रीट दे रही हो, जहाँ कहोगी सॉन्ग रिलीज करने की खुशी में कह रही है। गाना मैं ग्रीन ही दूंगी, मैं पट्टे लगा के मैंने नहीं जाना, हाँ। यार क्या है मतलब लव ग्रीन गो ग्रीन, यार क्या खाना है, जगह डिसाइड करना। ग्रीन कलर की मिर्च खाना, वैसे वैसे
वैसे वैसे अच्छा आइडिया। 14 नकाद पूछो, 14 राबिया 14 अगस्त पे कायदे आजम के 14 नकाद बता दो जल्दी से। बेटा 5 रकान नहीं पूछे। 14 अगस्त मनाने के लिए ग्रीन कपड़े हमने बस पहने होते हैं और सर पे टोपी भी पहननी होती है और इस तरह की लेंस भी लगाने होते हैं ग्रीन कलर। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने स्टैंजा हैं? मुझे नहीं पता। स्टैंजा पूछा हीरा, स्टैंजा 8 होते हैं यार। हीरा स्टैंजा एक पूरे उस शेर को कहते हैं स्टैंजा। तो 8 होते हैं यार। स्टैंजा होता है पूरा वो जो 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4। हाँ तो टोटल 3 स्टैंजा होते हैं। पाक सर जमीन शाद बाद किश्वर हसीन शाद बाद तर्जुमा ने वाजिश शाह ने। हाँ सीरियस आप भी? हाँ स्टैंजा एक पैराग्राफ को बोलते हैं। हाँ स्टैंजा 3 है। मैंने गूगल से देखा। ओ ओ देखा चीटर इधर बैठा है गूगल वाला। तो तुम क्या कह रही थी 8 होते हैं। अब स्टैंजा बैठ के गिनो। फातिमा से मेरा सवाल ये है कि PIA का पुराना नाम क्या था? सबसे डिफिकल्ट पाकिस्तान तरीके से है जहाज। हाँ उसकी उसका पुराना नाम क्या था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरलाइन। पूरा नाम उसका मैंने वो नहीं पूछ रही है। हाँ सुबह तब मैं पैदा ही नहीं हुई थी तो मुझे क्या पता। उसका नाम था जी ओरिएंट एयरवेज। इकरा कवल इंफॉर्मेटिव। चले जमहूरिया। आपसे मैं सबसे आसान सवाल पूछने वाली हूँ और वो सवाल यह है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? दो फुट। नहीं आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं ये तो एक उन्होंने वो बनाया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब है भाई होली लैंड, मतलब पाक सर जमीन। तुमने कहा था मैं इजी पूछूंगी, ये इजी तो नहीं है मम्मा। यार ये इजी है कि कोई कहे कि पाक का मतलब होता है पाकिस्तान के पाक लोग, पाक सर जमीन का। ओ सो एक गुड न्यूज है आप सब लोगों के लिए। आज 14 अगस्त के मौके पर ना सिर्फ मेरा गाना रिलीज हुआ है बल्कि माई डैड इज गोइंग टू लॉन्च देयर ओन वेरी ओन यूट्यूब चैनल। सो कौन कौन चाहता है कि पापा अपना यूट्यूब चैनल बनाए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मम्मा से पूछते हैं अच्छी बातें बताऊं। अच्छी अच्छी बातें क्या बोल के स्कीमें बता दे लोगों को कि पिक्चर कैसे अपलोड करती है। आज मैं पूरी हद ही बात पर पिक्चर कैसे अपलोड करती है। अल्लाह चोर नजरों से देख, चोर नजरों से बिल्कुल छिपकली का छोटा सा बच्चा जो आएगी वो ऊपर ही है और ये देखो इसको कुछ पीछे करो उसके ऊपर। 14 अगस्त पे राबिया को मिला तमगा है छिपकली। मैं कह रही थी जो आएगा उसके ऊपर गिरेगी, इसको पीछे करो। राबिया नहीं है बच्चा, इतना क्यूट लग रही है। चलो पपियां करो जाके उसको, इतना क्यूट ही बहुत क्यूट। राबिया खोलो, आजो 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 आजो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आओ यार। अगर बंद करोगे तो वो दरवाजे के अंदर आ जाएगा। आने लगी दरवाजे के अंदर। तुम भी अपना सायरन बजा लो। ये एक लड़का मासूम तरीके से जाहिर है साथ ही लेके जाना है। बाजे से मेरे अब्बा तंग आ चुके हैं इस वक्त। अब हम खाने के लिए निकल रहे हैं लेकिन इनको निकालना नामुमकिन सा काम लग रहा है मुझे। और मैं कब से अखियां उड़ीक दिया दिलवाजा मारदा आजा परदेसी है वास्ता है पाकिस्तान दा। सिस्ट्रोलॉजी की तरफ से सबको आजादी मुबारक। मैं हूँ एक लड़की और खूबसूरत लगना मेरा काम। मैंने वही कहा ना कि वो है तुम्हारे, ये है ड्राइवर जो गाड़ी चलाना इसका काम। मैं हूँ इकरा कमल और गाना गाना व्लॉग बनाना है मेरा काम। चलो जी यहाँ ये है ज़ैनब और बुरी लगना है इसका काम। और ये है ज़ैनब और बदतमीज होना इसका काम। क्या हुआ? You guys are crazy, crazy. ये है फातिमा बीमार होना इसका काम होगा। चले जी ये सब लोग तो वो तरफ से जलीलो ख्वार होने के लिए घर से निकले थे और सही कह रहे थे हमारे अब्बा के दिन दिहाड़ नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कितना रश है, कितना रश है, कितना रश है, इतना रश है, पार्किंग से अंदाजा हो रहा है। लेट्स सी क्या हमें खाना मिलता है या फिर हमें टेक अवे लेके घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ रेस्टोरेंट में कोई सीट खाली नहीं, सारे जगह भरी पड़ी।
सारी जगह भरी भी है। आधा घंटा वेट करना पड़ेगा फिर सीट खाली मिलेगी। अब आधा घंटा कौन कौन वेट कर सकता है। हम लोग जा रहे हैं, जो हमारा आज का चैलेंज था ना कि हम लोगों ने कुछ ग्रीन खाना है, कुछ ग्रीन मिंट मार्केट है, वो हम फिर कभी जिंदगी रही तो जरूर करेंगे, लेकिन आज का दिन तो जलील जलूल जलाला हो गए हैं। सो गाइस यू कैन सी नाउ यहाँ पे रश कितना, ये देख रहे हैं आप लोग, इस रश से हम लोग इस वक्त क्योंकि हमारी आजादी का दिन है 14 अगस्त पे, इसलिए रश होता है। अब हमारा ऑर्डर अभी देने हैं ताकि घर पहुँचते डिलीवर कर दें, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। कितना मजे का खाना निकल रहे हैं मेरे, क्यों कुछ नहीं आता मामा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा तेरे दांत निकल नहीं जा रहे थे तब थे जिन्होंने लोगों ने कहा नहीं जाना, मैंने कहा ये क्या बात है, मैंने बच्चियों को ट्रीट देनी है, नहीं फिर कभी सही फिर तो वो अब मेरे उन्होंने आ रहे थे मुझे और मैं वापस आ गई और मैं अपना मुँह नीचे कर था। मजा आया खाना खाने, फुल पेट फुल है ना, यही खाना था आज हमने 14 अगस्त पे, आज हम लोग जलालत खा के आए हैं। दरवाजा खोलो बच्चों, बहुत मजे का खाना था, स्पाइसी था, खुश कर रहे हैं बस के मजे का खाना था इकरा। मैं तो साल तक नहीं खाऊंगी इतना मजे का था। अब अगली 14 अगस्त पे इंशाल्लाह अब तो सारी जिंदगी नहीं खाऊंगी। फातिमा ओहो ए तुझे तो बड़ी भूख लगी हुई थी। कोई नहीं, रमजान में रोजे रखते हैं, सबर इसी का नाम। सो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, ये खाली प्लेट लेके घूम रही है और मैं अपनी भर के प्लेट, और वो देखे वो लड़की यहाँ पे सिर्फ खाने में मसरूफ है, चेंज करके मोबाइल के ऊपर कैसे रख के बैठी हुई है बेवकूफ। हाँ सही ना, कोई जाके दफा हो जाए तो दफा हो जाए, कहते हैं मुंडिया तो अल्लाह तुम सारे बचाए। सो गाइज यू कैन सी इधर बारिश हो रही है, हम लोगों ने पहले बात की थी कि बारिश कब होती है, 14 अगस्त पे हमेशा हर साल बारिश होती है, लेकिन एकदम सोई सोई मैं उठ के आई, मैं इयर रिंग्स वगैरह निकालने ज़रा फ्रेश होने लगी थी, लेकिन फ्रेशनेस से पता लगा हुआ पानी की बूंदें मेरे तक ही आ रही हैं, बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई है फुल ऑन। तो 15 अगस्त को बारिश हुई है भाई, क्योंकि 12:32 हो गया, मैं कमरे में वापस जाती हूँ अपने। सो गाइस इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बड़ा पसंद आया होगा, इस प्रोग्राम को पागल की हरकतें भी बहुत अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। एंड आई डोंट लाइक यू, मैंने तंग ना कर। ओके बाय सिस्टर।